आज श्री गीता मंदिर समिति भवन कमेटी जो कि बख्शी नगर में स्थित है, मुजफ्फराबाद बिरादरी की एक संस्था है, उसकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो अभी हमारे, मैं उसका चेयरपर्सन, तो हमारे प्रधान जी श्री सनम अमीर जी उसके बारे में। मैं सनम अमीर, प्रधान श्री गीता मंदिर समृद्धि भवन मुजफ्फराबाद बिरादरी की तरफ से आज सबसे पहले तो सभी आए हुए भाइयों को मेरी नमस्कार कबूल करें। उसके बाद ये बड़ी, आप इसको एक बड़ी खुशी की बात समझें या जैसे भी, कि आज हम लोग यहाँ पे जम्मू पीपल फार्म की तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से, ये पूरे POJK के 47 के जो हम लोग विस्थापित हुए थे, तो पहली बार जम्मू में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसका कि हम लोगों ने कई बार ये सोचा था कि कहीं ना कहीं हम लोगों का भी नाम लोगों को पता चले। क्योंकि मेरे हिसाब से जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग तो जानकार हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन आम जनता को ये मालूम भी नहीं कि 47 में हम लोगों के साथ क्या हुआ। और जबकि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को अपना हिस्सा दे के अलग कर दिया था, तो ये जो था POJK, ये पूरे का पूरा एक हिंदुस्तान का हिस्सा था, जिसको के 22 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ के लोकल कबाइलियों के साथ मिल के रात को सोए हुए लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, उनके ऊपर एक अटैक सा कर दिया। इन लोगों की इतनी हिम्मत थी तब के लोग, आज के लोगों की तरह इतने कमज़ोर भी नहीं हुआ करते थे। इन लोगों ने 3 दिन कम से कम वहाँ पे निहत्ते अकेले इस फोर्स का मुकाबला किया, जिसके कारण के 3 दिन ये लोग सिर्फ POJK के जो मुजफ्फराबाद इलाका है उसी में इनकी जंग चलती रही। लेकिन 3 दिन के बाद जब इनको कोई इतनी हेल्प ना मिल सकी, तो उन लोगों का एक ही कारण था, वो हम लोगों के औरतों को, बच्चियों को ले जाना चाहते थे, जिनको बचाने के लिए कि जब ये लोग भागे तो इन्होंने खुद ने भागते हुए, कईयों ने कुएं में छाल लगा के, कईयों में दरिया वहाँ पे आज भी है कृष्ण गंगा, उसमें अपनी छलांगें लगाई, और कुछ को जब उन्होंने पकड़ा तो वो सीन देखने वाला था कि तब के हमारे जो बुजुर्ग हमें बता गए हैं कि इन्होंने अपने आप को खुद ही खुदकशियाँ भी कर ली, लेकिन उन दरिंदों के हाथों में अपनी इज्जत नहीं दी। जिसके कारण के आज मैं सभी को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि तब से ले कर जो भी रिफ्यूजी भाई हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, अब हम सब की तलाश कर रहे हैं और उनको मिल चुके हैं और मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपके लिए बड़ी होगी, आप कभी चक्कर लगाओ कि हमारे बख्शी नगर में गीता मंदिर स्मृति भवन के बाहर इन्हीं के नाम का एक चिन्ह बनाया हुआ है, जिसको कि हम गीता मंदिर स्मृति भवन बोलते हैं। स्मृति उन्हीं के नाम से बनी है कि जब उन्होंने जो जो जुल्म किए हुए हैं उसके बारे में सारी लिखत है और सारी जानकारी है। आज हम यही लोग इकट्ठे हो गए 8 मई को, यानी कि परसों इतवार वाले दिन सुबह 10:30 बजे वोमेन कॉलेज गांधीनगर में सभी इकट्ठे होके उनके नाम का ही नमन करें और उस मातृभूमि को नमन करें, आकाश को, बलिदानों की पृष्ठी पर निर्मित इस इतिहास को बताएं कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जिन लोगों ने, जिस कंट्री ने हम लोगों के साथ धोखा किया, क्योंकि जब उनका हिस्सा उनको मिल गया था फिर भी उन्होंने हमारे ज़बरदस्ती हिस्से को छीना, तो उनको कम से कम सबक सिखाना चाहिए। और हम पूरे हिंदुस्तान के जो भी POJK से आए हुए हैं, उन शरणार्थियों को मेरी आवाज़ से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 8 मई को हम लोगों ने इस सभा को बढ़ चढ़ कर कामयाब कर रहा है।